हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको 6 से 7 साल की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारा गर्मियों के लिए फ्रॉक बताने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने ये कॉटन का रियोन का फैब्रिक लिया है प्रिंटेड। आप देख सकती हैं हमारा रियोन का फैब्रिक है, और ये हमारा 2 मीटर है, और आधा मीटर मैंने लिया है ब्लू कलर का, डार्क ब्लू, जिससे मैं नीचे पाइपिंग लगाऊंगी। तो देखिए, जो हमारा ये 2 मीटर कपड़ा है, सबसे पहले हम इसमें से टॉप पार्ट निकालेंगे। तो टॉप पार्ट के लिए हम कपड़े को पहले 2 फोल्ड करेंगे और फिर एक बार ऐसे तिरछा फोल्ड कर देंगे। देखिए, ये थोड़ा प्रिंटेड है तो आपको थोड़ी समझने में दिक्कत होगी, लेकिन जैसे हम अम्ब्रेला का घेरा करते हैं कट, ऐसे ही हम इसे कट कर लेंगे। और देखिए, इसकी लेंथ होगी जो करीबन 30 से 35 इंच तक होगी टॉप पार्ट जोड़ के। अब यहाँ से हम कमर का चौथा हिस्सा निकालेंगे। पहले आप बच्ची की कमर नाप लीजिए, और जितना भी चौथा हिस्सा आ रहा है उसका आप उसमें आप 1 इंच ज़्यादा ले लीजिए बस। अब यहाँ से देखिए लंबाई देखेंगे, इसकी जो लंबाई है वो हम यहाँ से ले रहे हैं 25 इंच। तो यहाँ से हम इसमें मार्जिन वगैरह सब कुछ मिला के हम पूरा 25 इंच इसको ले रहे हैं, और यहाँ से पूरा मैं देखिए ऐसे छोटे छोटे मार्क करके, और फिर सभी डॉटों को हम आपस में ऐसे मिला लेंगे बराबर करके। ये देखिए, यहाँ से जो पिंक कलर का निशान आपको दिख रहा है, ये अब यहाँ से इसकी सेम तरीके से कटिंग कर लेंगे। पहले हम घेरा कटिंग करेंगे, उसके बाद इसका टॉप पार्ट कटिंग करेंगे। तो देखिए, घेरे को ऐसे ही हम यहाँ से बराबर पर रख के पूरा कटिंग कर लेंगे, और जो ऊपर कमर वाला हिस्सा है उसको भी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो देखिए, कमर वाले हिस्से को पहले आप ऐसे बराबर नाप लीजिए ताकि एकदम फिक्स बैठे, छोटा बड़ा ना हो। तो अब मेरे पास ये 2 पार्ट आ चुके हैं। देखिए, 2 पार्ट आ चुके हैं बैक और फ्रंट के लिए, इनको अलग रख देंगे। अब जो हमारा बाकी का कपड़ा बचा है, इसी में से हम अपने टॉप पार्ट निकालेंगे, और ये स्लीवलेस फ्रॉक होगा। तो देखिए, टॉप पार्ट के लिए हम कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड में कर देंगे। 4 फोल्ड में करने के बाद यहाँ से जो लेंथ ले रहे हैं हम, वो 10 से 11 इंच तक ले रहे हैं सिलाई मार्जिन समेत। अब ये मैंने एक पीस ले लिया है। अब यहाँ से देखिए, गला रखेंगे हम, इसका राउंड गला बनाएंगे इसमें हम, और इसकी गले की चौड़ाई में रख रही हूँ 1.5 इंच। 1.5 इंच रखने के बाद देखिए, लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकती हैं, और जो इसका तीरा है, तीरे का भी आपको आधा लेना है। मैं 5.5 इंच ले रही हूँ, बच्ची का जितना भी तीरा है उसका आधा ले लीजिए। अब यहाँ से आर्म होल लेंगे। तो देखिए, आर्म होल भी इसमें आप 5 से 5.5 इंच तक रख सकती हैं, अगर आपकी 6 से 7 साल की बच्ची है तो। अब देखिए, छाती का चौथा हिस्सा निकालना है, और वैसे भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी होगा तो ये कॉटन का कपड़ा है, ये जल्दी धुलने के बाद थोड़ा टाइट होता है, तो इसमें थोड़ा सा मार्जिन आप एक्स्ट्रा ही रखें, इसलिए मैंने मार्जिन ज़्यादा रखा है। अब देखिए, अपने कमर वाले हिस्से को बराबर रख के और ऐसे निशान लगा दीजिए। बहुत ईजी है टॉप पार्ट भी कटिंग करना, और इस तरीके से हल्की सी गोलाई दे दीजिए जैसे हम राउंड में देते हैं, और यहाँ से 1/2 इंच का तीरा डाउन कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ से गले की लंबाई देख लीजिए, जितनी भी बच्चे की रखना चाहते हैं, पीछे हुक या जिप भी लगा सकते हो आप। तो मैं यहाँ से रख रही हूँ 1.5 इंच, और इसको ऐसे बॉक्स बना के हल्की सी गोलाई दे देंगे। बैक फ्रंट गले दोनों बराबर रहेंगे। अब जो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा दिख रहा है, उसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। देखिए, बराबर करके कटिंग कर देंगे, और इस उसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंच का जो तीरे का निशान लगा उसको डाउन करेंगे। ये इसलिए डाउन करते हैं ताकि कंधे से गला उतरे ना, इस वजह से 1/2 इंच का तीरा डाउन करते हैं। अब ये हमारे पास आ गई हैं 2 पार्ट बैक और फ्रंट के लिए। तो देखिए, रखने के बाद मैं थोड़ा सा लुक मैं आपको इसका दिखाई दे रही हूँ, इस तरीके से लुक आएगा। तो चलिए, इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो पट्टियाँ होंगी, पहले वो कट कर लेते हैं, जो हमने ब्लू कलर का प्लेन कपड़ा लिया है। तो देखिए, इसकी जो बॉटम है वहाँ पे मैं ये ब्लू कलर की पट्टियाँ लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने 2-2 इंच पे निशान लगा लिए हैं। तो देखिए, आप निशान लगा के भी कटिंग कर सकती हैं, या फिर आप अंदाजे से भी कटिंग कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे 2-2 इंच पे निशान लगा लिए हैं, और उसी मार्जिन से मैं इसमें से बहुत सारी पट्टियाँ और इनमें कट कर लूँगी। सीधी पट्टी ना लगाएं, क्योंकि जो हमारा नीचे का घेरा है वो अम्ब्रेला में है, तो फिर इसमें दिक्कत होगी सीधी पट्टी को लगाने में। तो देखिए, हमने ये तिरछी पट्टी ले ली है। तिरछी पट्टी को हम, इस जो हमारा पार्ट है इसको हम उल्टा करेंगे, इसका थोड़ा सा देखिए उल्टा करके, और पट्टी को उल्टी साइड रख के फिर सीधी साइड फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें जो ये ब्लू कलर की पट्टी है, ये हमें बाहर की साइड दिखानी है। जैसे कि आपको दिख रहा है हमारे इसमें ब्लू ब्लू फ्लावर आए हुए हैं, तो हम उसी हिसाब से इसका डिज़ाइन कर रहे हैं फ्रॉक को, और ब्लू कलर के ही हम इसमें फ्लावर लगाएंगे, वो आपको लास्ट में दिखाई देगा।
पूरा लुक बनने के बाद में। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको लगाया। अगर आप इस तरीके से पट्टी लगाएंगी तो आपकी जो पट्टी है वो एकदम फिक्स आएगी और कहीं से भी नहीं चौड़ेगा गला। तो छोटे छोटे कट्स लगा के, और देखिए इस तरीके से इसको राइट साइड को हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए अब आप देख सकती हैं कि कितना फिनिशिंग के साथ ये गला हमारा बनेगा। और जो बैक गला होगा उसको भी सेम ऐसे ही बना लेंगे, और इसमें हम जिप वगैरह नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने दोनों गलों की लंबाई है वो एकदम बराबर रखी है, तो इसीलिए हम इसमें जिप वगैरह नहीं लगाएंगे। तो देखिए पूरे गले पे हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे बराबर बराबर पकड़ के। देखिए पूरा हमारा गला एकदम रेडी हो चुका है। यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को कटिंग कर देंगे, तो आप देख सकती हैं कि आपको कहीं से भी गला ऐसा नहीं लगेगा कि गला चौड़ रहा है या फिर कहीं से भी कोई फिनिशिंग में कमी है। तो दोनों गले सेम बना लिए हैं मैंने। अब इन दोनों गलों का तीरा ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए तीरा यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरीके से 1/2 इंच का दबा के, जो हमने मार्जिन इसमें लिया था उसी हिसाब से दबा के। तो देखिए मेरे दोनों गले बन गए। आर्म होल पे मैंने सेम तरीके से पट्टी लगाई है। अब मैं आपको इस पे भी बता देती हूँ। तो देखिए उल्टी साइड को मैं पट्टी को रख रही हूँ। पट्टी की चौड़ाई 2 इंच है, 1 इंच फोल्ड करके रखेंगे, आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो हमारा आधा इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही फोल्ड होगा। और बिल्कुल सिलाई को एकदम बराबर ही लगाएं, सिलाई कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कपड़ा लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा सा कटिंग करके फिर पट्टी को फोल्ड करें। तो देखिए अब इसको हम यहाँ तक इसे पूरा सिल के और एक्स्ट्रा पट्टी को हम कटिंग कर देंगे, और फिर इसको हम राइट साइड को पलट देंगे। तो आप देख सकती हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अगर आपकी साइड में ज़्यादा कपड़ा हो गया है तो आप थोड़ा सा कटिंग करके बराबर कर लें, सिलाई से अलग कट करें। तो इस तरीके से हमने दूसरी को भी बनाया था सेम तरीके से। तो देखिए अच्छे से हम इसको फोल्ड कर लेंगे यहाँ से ला के। अब इसको पूरा फोल्ड करके लाएंगे तो देखिए हमारा तीरा भी एकदम फिनिश फिनिश हो रहा है। तो यहाँ से देखिए हम इसको अब फिटिंग दे लेंगे। आप देख सकते हैं टॉप पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने देखिए ये बेल्ट तैयार कर ली है। इसको तिरछा हमने एक सीधी पट्टी ली थी जिसकी लंबाई हमने 10-10 इंच ली थी। अब इस सीध और इसको फिर हमने सीधा कर लिया, जैसे हम डोरी को सीधा करते हैं। बेल्ट बनाना मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है। तो इसकी फिटिंग करेंगे। देखिए यहाँ से जितना भी हमने मार्जिन लिया था, और इस बेल्ट को हम इस तरीके से अंदर की साइड को करके रखेंगे। देखिए अंदर की साइड को करके रख रही हैं बेल्ट को। मैंने सिलाई के बीचा बीच में रख लिया है बिल्कुल कमर वाली साइड से। अब दूसरी दूसरी साइड भी ऐसे ही बेल्ट लगाएंगे, इसको अंदर कर देंगे। तो देखिए यहाँ से पहले ऊपर से फिटिंग करके लाएंगे और ऐसे ही इसको भी हम फिक्स कर देंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं उसको मैंने लगा लिया है। अब इसका हम करेंगे बॉटम तैयार। तो बॉटम तैयार करने के लिए पहले हम इसको सिल लेंगे, और ये आपको जितनी भी कमर सिली है आपने उसी से नाप के सिलना है। यानी कि जितनी हमारी कमर बैठी है सिल के, उतना ही आपको इस घेरे को भी सिलना है। तो देखिए हमने इसको सिल लिया है। अब जो हमारा ये टॉप पार्ट है उसको देखिए हम सीधा कर लेंगे टॉप पार्ट को, और सीधा करके इस तरीके से इसको रख के, और देखिए यहाँ से बिल्कुल बराबर नाप के हम ऐसे डाल देंगे। देखिए जो डोरी वाली साइड है वो हमारी साइडों में होनी चाहिए, और ऐसे पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। टॉप पार्ट को सीधा रखना, सीधा करके करना है, और इसको उल्टा रखना है। तो बहुत इजी तरीका है। अगर आपसे ऐसे ना हो तो आप ऐसे खुला करके भी लगा सकती हैं इस टॉप पार्ट को, जैसे कि एक साइड से कपड़ा कट करके फिर उसके बाद लगा सकती हैं, वो भी इजी है। लेकिन ये इसमें ज़्यादा फिनिशिंग आती है, तो इसलिए मैंने आपको ऐसा तरीका बताया। देखिए बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कहीं भी प्लेट ना डालें, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो एकदम बराबर हमने लिया है। अगर मान लो आपका टॉप पार्ट छोटा है और ये बड़ा बैठ रहा है, तो उसे थोड़ा सा सिल लीजिए फिर उसके बाद। तो आप देख सकती हैं ये हमारा बैक हिस्सा होगा और ये होगा हमारा फ्रंट हिस्सा। अब फ्रंट हिस्सा होने के बाद में अब देखिए यहाँ से हम इसमें पट्टियाँ लगाएंगे। तो जैसे हमने ये पट्टी रखी थी, इसकी जो चौड़ाई है वो भी हमने बराबर ही, अब इसके बॉटम से हम पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इस तरीके से पट्टी को पूरे में लगाएंगे, घेरे में। देखिए पूरे राउंड में हम ऐसे ही लगाएंगे। तो हमने लगा ली है। अब इसको हम देखिए राइट साइड को टर्न कर रहे हैं, यानी कि पलट रहे हैं। तो इसको बिल्कुल बराबर बराबर करके पलटेंगे, कहीं से भी आपकी सलवटें नहीं पड़नी चाहिए। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि लाइक करने में तो कुछ भी नहीं जाता। तो जब भी आप वीडियो देखें तो लाइक और कमेंट करके मुझे बता दिया करो कि कैसी बनी है वीडियो। तो देखिए ये मैंने नेट के फूल बनाए थे, इसकी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। और ये फूल बनाना बहुत ही आसान है, तो मैं फिर भी आपको बता रही हूँ क्योंकि इसकी वीडियो मैंने अलग बनाई हुई है। तो देखिए हमने एक नेट की सीधी पट्टी ले के, देख रहे हैं आप नेट की मैंने सिल लिया है,
और इसको मैंने सीधा कर रही हूँ। देखो मैं जैसे हम डोरी पतली बनाते हैं, ये थोड़ी मोटी है, ऐसे ही मैंने। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा ये फूल है, तो हमने इसको पूरा टांकों से, ये जैसे कमल का फूल होता है उस तरीके से बन जाएगा, तो सॉरी गुलाब का फूल। तो इसको देखिए हम इस तरीके से सीधा कर रहे हैं, यहाँ से हमारी ये सीधी हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे तिरछा, मतलब कि जो इसकी सिलाई है वो बीच में आनी चाहिए, साइड में नहीं रखनी है आपको सिलाई, बीच में लाके और ऐसे देखिए सिलाई लगा देनी है आपको। ये मशीन से ही बन जाता है और बहुत आसान तरीके से बन जाता है। ये देखिए बीच बीच में हम सिलाई लगा रहे हैं, आपको दिख रहा है जैसे फ्रिल बनाते हैं उस तरीके से सिलाई हम इसमें लगा रहे हैं, और पूरे में हमें ऐसी ही सिलाई लगानी है। इस पट जो इसकी लंबाई ली है वो मैंने 15 इंच ली है, और 15 इंच लेने के बाद मैंने इसको 7 इंच तक कर लिया है, यानी कि पूरे की प्लेट डाल दी है। अब देखिए अब इसको हमें ऐसे बीच से फोल्ड कर देना है, पहले इसको बराबर कर लेंगे जहाँ से भी। तो देखिए जो बीच वाली सिलाई थी, अब वहाँ से ऐसे टांके लगाते हुए जाएंगे। बीच वाली सिलाई को मैंने फोल्ड कर लिया है, जो हमने बीचा बीच में लगा रखी है इस तरीके से, और फोल्ड करते जाएँ और टांका लगाते जाएँ। तो इस तरीके से मैंने उस फूल को तैयार किया था। इस फ्रॉक पे ये फूल बहुत ही अच्छे लगे हैं, क्योंकि हमने इसमें ब्लू कलर की तो पट्टी लगाई है। तो ऐसे ही आप किसी भी, मतलब नेट से नहीं, आप नॉर्मल कपड़े से भी बना सकती हैं इस फूल को। बहुत ही आसान है इसको बनाना, और अपने फ्रॉक में, हेयर बैंड में भी आजकल बहुत ही लग रहे हैं ये। तो आप उसकी भी वीडियो में स्पेशल अपलोड कर दूंगी। तो देखिए इस तरीके से इसका लुक आएगा। अब ये हमारे पास कुछ बीट्स हैं, कुछ टोन है, तो मैंने ये फैब्रिक ग्लू ली है। तो इस फैब्रिक ग्लू को हम ऐसे रख के और पूरे में इनको चिपका लेंगे, और फिर अपने फ्रॉक पे। तो ये मैंने 2 से 3 4 फ्रॉक फूल बनाए हैं। अब देखिए इसको हम ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर रख देंगे, और 2-3 मिनट के लिए सूखने के, और जो ये आपको ग्लू दिख रहा है अपने अंदर ही से एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये आपको बाहर नहीं दिखेगा। थोड़ी देर में फैब्रिक ग्लू अच्छे से सेट हो जाता है, थोड़ी देर धूप में रखने की जरूरत नहीं। तो देखिए हमने इस तरीके से इसको, फ्लावरों को इसके ऊपर लगा लिया है। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो, और कमेंट करके भी बताना कि कैसा बना है हमारा फ्रॉक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।